हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, आप अगर जीमेल यूज करते हैं तो जीमेल में आप बहुत सारे सेटिंग्स नहीं जानते होंगे, जैसे कि आप सिग्नेचर उसमें कैसे ऑटोमेटिक सिग्नेचर को पुट करना, थीम को कैसे चेंज करना, डार्क मोड में कैसे यूज करना, तो बहुत सारी चीजें हैं। ऑटोमेटिक रिप्लाई के लिए अगर देखना चाहते हैं तो बहुत सारी सेटिंग्स हैं जो जीमेल में बहुत आपको यूज होगा डेली लाइफ के लिए। डेली यूज करते हैं जीमेल की, अगर अकाउंट यूज करते हैं तो वो सारा कुछ आपको पता चलेगा। और जीमेल की अगर और भी जानकारी चाहिए तो मैं कुछ वीडियोस जीमेल पे है जो कि मैं आई बटन में आपको दे दूंगा, आप वहां से देख लेना। और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मैं वो वीडियो शो कर दूंगा। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं जीमेल के हर एक सेटिंग्स के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर पे सारा कुछ आपको शो करूंगा, तो इस वीडियो में बने रहिएगा और पूरा देखिएगा वीडियो, आपको हेल्प बहुत मिलेगा। फिलहाल के लिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप न्यू है हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर अपडेट्स के लिए आपको जो भी वीडियो आएंगे आपके आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, उससे क्या होता है हमें पता लगता है कि आगे किस चीज के रिगार्डिंग आपको नॉलेज चाहिए होगा, तो अगर हमारे पास होगा तो हम शेयर जरूर करेंगे। तो फिलहाल के लिए चलिए हम आपको कंप्यूटर पे जीमेल के अकाउंट पे जाके हम शो करते हैं। सो फ्रेंड, मैं जीमेल के अपने डैशबोर्ड पे आपको आ गया लॉग इन करके। आप अपने लॉग इन आईडी और पासवर्ड से जीमेल में आप यहाँ पे ओपन करेंगे तो डैशबोर्ड में आ जाएंगे। आप देखते हैं हम यहाँ पे आके कि हम सेटिंग्स में क्या क्या कर सकते हैं। बहुत सारी सेटिंग्स हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने जो मेल आया हुआ है उसको। आपने सपोज़ करो ये मेल आपके पास आया हुआ है, यहाँ पे आपने ऑन किया, ओके, तो ये आपने क्या किया, रीड कर लिया। आप चाहते हो कि ये इम्पोर्टेंट मेल आया हुआ है, आप इसको कल देखना है तो आप भूले ना, उसके लिए क्या कर सकते हैं आप। सबसे पहले यहाँ पे टिक कीजिए दोस्तों। जैसे ही यहाँ पे टिक करेंगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने आ गए। यहाँ पे एक स्नूज का ऑप्शन आएगा, ये जो क्लॉक के साइड में है यहाँ पे आप कीजिए। और यहाँ पे आप कोई सा भी डेट और टाइम अगर पिक करना चाहते हैं कि कल मुझे ये मैसेज आ जाए मेरे सामने, ये जैसे ही मैं ऑफिस जाऊँ और ओपन करूँ तो यहाँ पे ये स्नूज करे और मेरे सामने ये आ जाए। तो हम ये क्या किए, 22 मई को 10 AM पर हमने यहाँ पे सेव कर दिया। अब देखिए दोस्तों, वो मेल मैंने चेक करके स्नूज में डाल दिया, तो हम यहाँ पे स्नूज में जाते हैं तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, ये 10 AM का दिखा रहा है, ये बिल्कुल उसी टाइम ये अलार्म मुझे देने लगेगा इनबॉक्स में आके। तो एक तो ये हो गया आपके पास फर्स्ट सेटिंग। दूसरे सेटिंग पे जाते हैं हम, तो यहाँ पे आप सेटिंग का ऑप्शन देख रहे होंगे। तो सबसे पहले हम इसके बाद क्या करते हैं, थीम को अगर चेंज करना है तो हम थीम पे जाते हैं। आपको जो भी अच्छा लग रहा है थीम वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट बहुत सारे थीम यहाँ पे अवेलेबल हैं जीमेल और गूगल के तरफ से। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे थीम हैं, ये तो आपको जो बेस्ड जैसे ये सीनरी के रूप में है, और नीचे में ये जो मेल है ये डिफ़ॉल्ट है जो कि ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है। और अगर डार्क मोड में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे डार्क मोड का भी ऑप्शन दे रहा है, ये देखिए। तो आप इसको अगर क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिक ये डार्क मोड में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों। और अगर सिंपली आप किसी दूसरे में करना चाहते हैं तो यहाँ से ऐसे बहुत सारे कलर्स हैं जिसको चेंज करके आप यहाँ पे सेव जैसे ही करेंगे तो वो उस मोड में चेंज हो जाएगा। दूसरा सेटिंग ये हो गया। थर्ड पे आप यहाँ जाइए और यहाँ पे डिस्प्ले डेंसिटी पे जाइए। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि डिस्प्ले डेंसिटी में ये डिफ़ॉल्ट में है तो कैसा ये इसका विंडो दिखेगा, सेम उसके बारे में है। अगर ये हम थोड़ा कम्फर्ट करते हैं तो सब कुछ आएगा, और अगर अटैचमेंट है यहाँ पर किसी मेल में तो अटैचमेंट भी शो होगा। हम करके देखते हैं, ओके जैसे ही किया हमने तो यहाँ पे देख ले रहे हैं कि जो भी चीज़ें यहाँ पे है अटैचमेंट है या फिर यहाँ पे जो भी चीज़ें दिया हुआ है इंटरव्यू के लिए डेट टाइमिंग वो सारा कुछ आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। अब एक और यहाँ पे डिस्प्ले डेंसिटी में कॉम्पैक्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाएगा, उसको हम भी चेक कर लेते हैं। तो ये करेंगे तो ये देखिए दोस्तों, इसमें सारा कुछ आ गया है यहाँ पे, आपको यहाँ पे कहाँ से आया है उसका ये सब्जेक्ट यहाँ पे मिल गया आपको,
उसके अंदर का भी पार्ट आपको जो लिखा हुआ है स्टार्टिंग का वो मिल गया, तो ये पूरा कॉम्पैक्ट हो गया। तो हम यह इसको एज इट इज़ डिफ़ॉल्ट में कन्वर्ट करके रहने देते हैं। तो ये आगे का सेटिंग होता है। अब हम देखते हैं मेन सेटिंग पे जाके। सेटिंग में जाके यहाँ पे सेटिंग को क्लिक कीजिए तो आप आ जाएंगे सबसे पहले जनरल के ऑप्शन में। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। यहाँ पे आप जो जीमेल को आप यहाँ से जो राइट करते हो वो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज यहाँ पे सेट है। आप अगर दूसरे लैंग्वेज सेट करना चाहते हैं, आपको ज़्यादा यूज़ होता है, तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज के। आप अपनी कंट्री को सेट कर सकते हैं, वैसे जिस कंट्री में इंस्टॉल किया आपने वो यहाँ पे शो करेगा। अब यहाँ पे पेजेस देखते हैं हम, तो यहाँ पे 50 पेजेस है, 100 पेजेस यहाँ पे है, पेज साइज़ है, एक पेज में कितने मेल रहेंगे वो इससे यहाँ से चेंज होगा। सपोज़ कीजिए यहाँ पे 50 अगर शो कर रहा है तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे 25 अगर करते हैं, और यहाँ पे जाके नीचे आप जब आएंगे तो सेव का ऑप्शन आएगा, और यहाँ पे जाइए दोस्तों इनबॉक्स में। जब हम देखेंगे तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे काउंट आपको शो कर दिया है 1 to 25, ठीक है। तो ये आपको ऊपर से नीचे तक फ्रंट पेज पे 25 मेल दिखाएंगे, 25 मेल्स, ओके। तो ये और सेटिंग हो गए। अब हम देखते हैं दूसरा। अब यहाँ पे हम आपको नीचे लेके आते हैं, और यहाँ पे हम आके आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो भी मेल लिख रहे हैं वो उसका जो फॉन्ट है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ से जी जो भी फॉन्ट आपको है यहाँ पे आप यहाँ पे चेंज करके रख सकते हैं, या फिर आप अगर कोई कलर डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ब्लैक है, अगर रेड में लिखना चाहते हैं या ग्रीन में, तो आप यहाँ से चेंज करके ऑटोमेटिक सेट करके सेव कर दीजिए, तो आपका पूरा वो उसी लैंग्वेज में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मोबाइल में जब भी आप अपने मेल को ओपन करेंगे तो वो क्या करेगा, एक सजेशन देगा। सजेशन इन द सेंस कि सपोज़ कि यहाँ पे आप यहाँ पे डालते हैं और यहाँ पे लिखते हैं दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू, तो यहाँ पे क्या करेगा, आगे का कुछ वर्ड को सजेस्ट करके यहाँ पे आपके सामने ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखा देगा। तो ये जो मेल है यहाँ पे आप इसके थ्रू कर सकते हैं, ऑटो करेक्ट के थ्रू, और यहाँ पे स्मार्ट कंपोज को राइटिंग सजेशन ऑन कर दीजिए, और पर्सनलाइज, तो आप जब भी मोबाइल में आप चेक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपको आगे का वर्ड को सजेस्ट करके दिखाएगा। तो इस वाले मेल से यहाँ पे हो जाएगा आपको। अब देखिए दोस्तों अगर ये हम क्या करते हैं कि मोबाइल में तो नोटिफिकेशन शो करता रहता है, अगर डेस्कटॉप में भी आप अगर नोटिफिकेशन शो कराना चाहते हैं कि जैसे ही कोई मेल आया आपको तो यहाँ पे एक पॉपअप के साथ ये ओपन हो कि एक मेल यहाँ पे आपको आएगा, तो उसके लिए यहाँ पे न्यू मेल नोटिफिकेशन ऑन आप कर दीजिए, या इम्पॉर्टेंट मेल नोटिफिकेशन ऑन, जो इम्पॉर्टेंट होगा इम्पॉर्टेंट लेवल के साथ आएगा तो आप यहाँ पे उसको पॉपअप का नोटिफिकेशन मेरे को मिल जाए, अगर नहीं चाहिए तो यहाँ ऑफ कर दीजिए। तो ये एक सेटिंग हो गया। अब हम आपको यहाँ पे लेके आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सिग्नेचर पे। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे जो आपको सिग्नेचर है वो यहाँ पे क्या होता क्या है कि यहाँ पे हम क्रिएट न्यू करते हैं सिग्नेचर नेम, हम यहाँ पे सिग्नेचर नेम को क्रिएट करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आ गया टेक्नोरंजे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं थैंक्स एंड रिगार्ड्स और लास्ट में यूट्यूबर। तो अगर हम ये सिग्नेचर हमेशा चाहते हैं कि हमेशा ये शो करे, जब भी आप मेल कोई भेजें तो ये ऑटोमेटिक आपका डिफ़ॉल्ट यहाँ से हो जाए,
और यहाँ पे लार्ज जो भी आपको करना है या बोल्ड करना है, यहाँ से आप अगर कलर कोई सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने, ये देखिए कितना खूबसूरत सा हो गया दोस्तों, तो ये मैंने अपना चेंज कर लिया है। और यहाँ पे सिग्नेचर डिफ़ॉल्ट फॉर न्यू मेल यूजेस और रिप्लाई यहाँ पे हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। ये देखिए जब भी आप कोई न्यू मेल लिखना चाहते हैं तो इस ये जो सिग्नेचर है ऑटोमेटिक आएगा, और रिप्लाई और फॉरवर्ड में भी ये आपको ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेव करके चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, कंपोज मेल किया। जैसे ही आप कंपोज मेल करेंगे, ये देखिए दोस्तों आपका सिग्नेचर यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये एक मेल इम्पॉर्टेंट चीज़ था। अब हम आते हैं इसके दूसरे सेटिंग्स के बारे में, देखते हैं। हम यहाँ पे सिग्नेचर हमने सेट कर लिया, अब यहाँ पे पर्सनल लेवल इंडिकेटर है स्क्रीन पे, यहाँ पे ये देखिए वेकेशन रिस्पॉन्डर, ये एक इम्पॉर्टेंट सेटिंग है जो कि आपको बहुत यूज़ होगा। इसमें क्या है कि जिस दिन आप लीव पे रहोगे दोस्तों, यहाँ पे वो सब्जेक्ट को बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लिख दो कि आई एम ऑन लीव, ऑन लीव टुडे, ये आप लिख दो। और जिस भी डेट को आपको लीव है यहाँ पे लिख दो, और लास्ट डे ऑप्शनल है यहाँ पे लिख के, और जो मैसेज है ये डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मैसेज टाइप करके, ओनली सेंड अ रिस्पॉन्ड टू द पीपल इन माई कॉन्टैक्ट, और सबके लिए है तो वैसे दे दो आप, अगर आपके कॉन्टैक्ट के हैं तो उनके लिए आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आप सेव चेंजेस कर दो, ये ऑटोमेटिक क्या होगा कि जिस दिन आप लीव पे रहोगे जो भी मेल आएगा वो उनको ऑटोमेटिक रिवर्ट हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पे सेटिंग है जिसके बारे में मैं बताना चाहता था इस वीडियो में। और अगर हम अकाउंट एंड इम्पोर्ट्स में आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको पासवर्ड को चेंज करने के लिए, रिकवरी के लिए और कई सारी चीज़ें, यहाँ पे क्या है कि सेंड मेल एज, अगर आप किसी को मेल सेंड करते हैं तो वो कौन सा नाम शो करेगा, ये रंजय कुमार है। यहाँ पे आप दूसरा भी डाल सकते हैं, सपोज़ कीजिए टेक्नो रंजय हम लिख के अगर करते हैं तो ये उसी नाम से वहाँ पे शो करेगा जहाँ भी ये मेल जाएगा, तो वो इस वाले सेंडर मेल एज आपका नेम जो वहाँ पे आइडेंटिफाई होगा वो इस वाले ऑप्शन से होगा। तो मेन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ था मैं इस वीडियो में आपके साथ कवर किया, और आगे की भी वीडियो में मैं आपको यहाँ पे कर सकता हूँ। यहाँ पे जो चैट बॉक्स यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों, आपके साथ जितने भी कांटेक्ट में हैं उनका ऑन आप चैट भी कर सकते हैं यहाँ पे, अगर ऑफ़ करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे ऑफ़ करके सेव कर दो आप। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं थी जो मैं आपके साथ शेयर किया। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको थोड़ा इम्पोर्टेंट और अच्छा लगा, तो इन्फॉर्मेटिक्स लगा, तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगले वीडियो के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो फ़िलहाल के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।